हेलो फ्रेंड्स, इक्विटी टू कॉमोडिटी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे ई कॉमर्स सेक्टर के बारे में। इस सेक्टर की टॉप लिस्टेड कंपनी कौन कौन सी है और आप इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें, ये सारे हम पूरे डिटेल से देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो हमारे साथ जीरोधा में डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे आपको फ्री एडवाइजरी और टेक्निकल टिप्स मिलेगा। हम आपको पोर्टफोलियो मैनेज करने में भी हेल्प करेंगे। हम आपको फ्री ट्यूटोरियल ऑफ काइट देंगे, जो कि जीरोधा के द्वारा एक प्रोवाइड किया गया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। हम आपको टेक्निकल और फंडामेंटल रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट कंपनी, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पे आता, वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। हम आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बताएंगे, जिसको आप यूज करके कैसे एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर के रूप में काम कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे साथ डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां पे क्लिक करके आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, या नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए हम टॉपिक पे वापस आते हैं। सबसे पहले हम इंडिया में ई कॉमर्स सेक्टर का ओवरव्यू देखते हैं। जैसे जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर एंड लैपटॉप का यूज बढ़ता जा रहा और साथ ही साथ उसमें इंटरनेट का भी यूज बढ़ता जा रहा, वैसे ई कॉमर्स का एक्सेस बहुत अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज में भी हो गया। अब ई कॉमर्स सिर्फ अर्बन एरिया में लिमिटेड नहीं है, इसका पहुंच रूरल एरियाज में भी हो गया है। और अभी जितने भी रिटेल्स में सेल्स हो रहे हैं उसका 1.3% ई कॉमर्स के थ्रू हो रहा, और 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर हो जाएगा 3.3%। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अभी देखिए, जो भी रिटेल्स में सेल हो रहे हैं उसका काफी कम परसेंटेज ई कॉमर्स के थ्रू हो रहा, तो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रोथ काफी ज्यादा है। अगर हम नेक्स्ट 5 ईयर्स की बात करें तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में ई कॉमर्स सेक्टर 40% CAGR के साथ ग्रो कर सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और अभी जो इसका वैल्यू है ई कॉमर्स सेक्टर का, वो $20 मिलियन के करीब है, और जबकि ये नेक्स्ट 5 ईयर्स में बढ़ के इसका वैल्यू हो जाएगा $100 बिलियन। नेक्स्ट 5 ईयर्स में काफी ज्यादा बूम देखने को मिलेगा। जैसे जैसे इंटरनेट का यूज बढ़ता जाएगा, यहाँ सारे ई कॉमर्स सेक्टर के भी यूजेस बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे भी डिमांड आते जाएंगे। अब हम इस सेक्टर के टॉप लिस्टेड कंपनीज को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जस्ट डायल के बारे में। तो जस्ट डायल का अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का Q3 का रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो वो काफी स्ट्रांग रहा है। इससे पहले का उसका रेवेन्यू ग्रोथ उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा, और इसका मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू अर्बन एरियाज से आता है। आप यहाँ पे डेटा भी देख सकते हैं, अगर टॉप 11 सिटीज का देखें तो टॉप 11 सिटीज 83% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है। तो जस्ट डायल मेनली अर्बन एरियाज में लिमिटेड है, और इसका अभी करंट प्राइस है 440। अगर इसको बाय करना है तो इसको आप 350 के बिलो बाय कीजिए, और हमारा टारगेट प्राइस रहेगा, अगर आप इसको 350 के नीचे बाय करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 80-100% का रिटर्न दे देगा विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 12 मंथ। हम पेड कैंपेन का चार्ट देखें तो जस्ट डायल पे जो भी पेड कैंपेन आ रहे हैं वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं। और यहाँ पे आप जस्ट डायल का की फंडामेंटल डिटेल्स भी देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं, जो कि है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। ये भी इस फील्ड की टॉप कंपनीज में से आता है। Naukri.com, 99acres.com, JeevanSathi.com एंड Shiksha.com, इन सारे का पेरेंट कंपनी है इन्फो एज प्राइवेट लिमिटेड। अगर हम 2017 से 20 का बात करें तो इसका एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट होगा 14%, यानी ये कंपनी 2017 से 20 तक 14% CAGR के साथ ग्रो करेगी, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा। और अगर हम रिक्रूटमेंट मार्केट में देखें तो रिक्रूटमेंट मार्केट में Naukri.com एज ए लीडर की तरह काम कर रहा है, और जो भी जॉब पोर्टल्स पे जितने भी ट्रैफिक आते हैं तो उसका 63% सिंगल Naukri.com पे आता है। और 99acres का भी अगर हम फाइनेंशियल 2017 और 18 की बात करें तो Q3 का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है, और इसका रिकॉर्ड ग्रोथ हुआ है जो कि 53.7% का था। अगर हम सेम क्वार्टर में प्रीवियस ईयर का रिजल्ट देखें तो वहाँ पे हमें 4.6% का डिक्लाइन देखने को मिला था, इस क्वार्टर में इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। अगर हम इसका करंट प्राइस की बात करें तो इसका करंट प्राइस है 1170, और हमारा टारगेट प्राइस है इसमें 1390, और टाइम फ्रेम है इसमें 12 मंथ। अगर हम इसके चार्ट देखें तो इसका रेवेन्यू ग्रोथ का चार्ट देख सकते हैं, वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, और आप यहाँ पे इसका इनकम स्टेटमेंट का भी चार्ट देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, जो कि है Infibeam.com। Infibeam.com ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज के प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। अगर हम इसके एक्टिव यूजर्स की बात करें तो इसके पास 8 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू का चार्ट देखें तो इसका रेवेन्यू 2017 से 2018 तक ऑलमोस्ट डबल हो गया। 2017 में इसका रेवेन्यू था 1000 मिलियन के करीब, जो कि 2018 में इसका हो गया लगभग 2000 मिलियन के करीब, और इसका अर्निंग पर शेयर्स भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। अब हम अगली और लास्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, जो कि है भारत मैट्रिमोनी, और ये एक्सचेंज में लिस्टेड है Matrimony.com लिमिटेड के नाम से। और यहाँ पे आप इसका नेट रेवेन्यू भी देख सकते हैं, कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा, और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है इसका 2018 में 327 करोड़ के करीब होगा नेट रेवेन्यू, 2019 में 356 और 2020 में 388। ऐसा ही EPS भी इसका कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, यानी अर्निंग पर शेयर्स। अगर हम इसका चार्ट देखें तो ये 2 सेगमेंट्स में वर्क करती है, पहला है मैच मेकिंग सर्विस और दूसरा है मैरिज रिलेटेड सर्विस। और यहाँ पे अगर हम
ग्रोथ की बात करें तो इसका भी ग्रोथ ऑलमोस्ट 10% के साथ ग्रोथ करेगा फ्रॉम 2017 से 20 तक। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की और भी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।